माशाल्लाह जी, ये खाना स्पेशल रेडी किया जा रहा है मुंशी साहब के लिए, जो कि माशाल्लाह आज जो है ना उसने हमारे जो कमरे हैं ना उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं और देखते हैं कि कमरे जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या उसने तोड़ दिया है, क्या क्या जो है वो बाकी बचता है। तो अभी चलते हैं जी, और टाइम जो है वो अभी 11:30 बजे का है, तो आप सब ने हमारे साथ रहना है। ये को चेक करो आज जिंदगी में पहली बार जो है वो बिस्तर में लेट रही है। नहीं, पहले भी ये काम करती थी। दो तीन बार मेरे ख्याल पहले भी किया है, एक बार उधर जब आप कुंवारी थी उधर अपने मेके में किया था, और दो बार मेरे ख्याल में इधर जब परनीज की आई ना तो दो बार मेरे ख्याल में इधर भी बिस्तर उठाया था। 3 साल नहीं, सारी जिंदगी बस कार है। जब आपने किया फिर सारी जिंदगी मैंने क्यों बिस्तर उठाया? अगर आप उठाओ उठाओ बात भी करती रहो, और मैंने इसलिए आपसे नहीं बोला कि बात करूंगा तो ये रुक जाएगी, इसलिए मैंने कहा चुप करके ना बिस्तर इसको उठाने दूँ। अच्छा। बाद में देखते हैं। हाँ जी, चार पाई दी ना, कभी कभी छेक भी छेक लिया करो। मोटे बंदे सोते हैं ना फिर वो। चार पाई जो है ना ये बिल्कुल इस ये नीचे बैठ जाती है ऐसे ना, तो इसकी जो छेक होती है, छेक का मतलब जो ये रस्सी होती है ना ये वाली, वो चाहिए बंदी है माशाल्लाह, वजन भी उठा लेती है। तो ये वाली जब आप खींचेंगे ना ये वाली बिल टाइट हो जाएगी, फिर बंदा ऊपर सोएगा तो सही हो जाएगा। चलें जी, माशाल्लाह फ्रीज़र को भी हल्का हल्का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं ख़राब ना हो जाए। और दूसरे नंबर पे जो है ना ये देखें, ये झोल बनी हुई है, ये देखें ये देखें। हाँ जी, अब जिसका वजन ज़्यादा हो तो वो फिर चार पाई की छेक नहीं छिकोगे? छिकते हैं फिर हो जाती है, अब क्या करें, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना। ना कसूर तेरा ना कसूर मेरा, कसूर तो पीछे वाल होना जिम्मे अल्लाह ताला जे को बनाए ना, ये बात नहीं है। ओए होए हजवेरी माशाल्लाह, सुबह सुबह थोड़ा सुभान अल्लाह जी। सबसे पहले पहले जी सुबह सुबह खाते हैं जी ये वाला काला। हाँ, काला मुझे ज्यादा पसंद। मैंने जिसके लिए खोला तो वो है ही नहीं। थोड़ा सा ना ये कर दो फिर मुझे अच्छा रो देगा। अच्छा, अपने लिए पटवाया है और तुझे खिलाने के लिए? मैं सोचा मैं क्या प्यार से खिला रहे हैं। बड़ी सियाणी हो तुम। मैंने खोला था चीरे कुए के लिए, वो है ही नहीं इसमें। ओए क्या, ये किसका डब्बा है भला? ये रात वाला। और जो रुबीना लेके आई थी वो भी चमचे में नहीं, वो है कहाँ? फ्रिज में रखा है ना। अच्छा फिर ठीक है, मैंने कहा क्या खराब ना हो जाए यार। नहीं, वो भी पड़ा है। अच्छा अच्छा वो पड़ा नीचे वाला, ठीक है चलो देखते हैं मुंशी ने कहाँ तक काम पता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, सज्जन उठे ना कींठा रहन सही माशाल्लाह। जजाकला जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र। राती जदों सुते होन उठे? नहीं उठे, तैयारी कर रहे हैं, कपड़े रख रहे हैं। अच्छा, किस चीज की तैयारी? आठ दिन की। आहा, टिकटें तो करवाई नहीं? वो टिकटें करवा लेंगे। नहीं, इधर जो है वो उसी टाइम पे टिकटें नहीं मिलती। अगर जो मतलब कि जैसे आपने अभी फौरन तैयारी कर ली है ना, तो वो जो ट्रेन में WC नहीं होते, ट्रेन में बैतुल खला लिखा होता है, तो फिर वहाँ पे बैठना पड़ता है अगर आप एडवांस टिकट नहीं लेते तो। हाँ जी, अभी आपने जाना है तो जाए आप शाम की करवाएंगे ना? वही शाम की करवाओगे ना, फिर भी नहीं लगनी, ठीक है जी। तो बाकी आप जिसमें आप छोड़ गए थे जो याद होगा। हाँ, एक बात कहूँ, ये वाला जो बैग है ना आपका बहुत ज्यादा प्यारा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, मैं सदके जाऊँ अकेले, मैं कपड़े शॉपिंग में ले जाती हूँ। नहीं, मैं कपड़े में ले जाती हूँ वहाँ से लेकर। कितनी अच्छी हो आप रूबी। आप भी कितने अच्छे, जो सोते तब से वो बैग लेके आए वो दे देना मुझे, है ना? अच्छी बात है ना। कोई नहीं, ये भी आपका, आपने न्यू लिया है ना तो अभी आप इस्तेमाल करें इसको। अपनी बात के हम अपना अपना इस्तेमाल आप कर लेते हैं, आप अपना आप ही कर ले तो अपना अपना इस्तेमाल कर लेते हैं जी। बस हाँ जी, हाँ जी, तू शर्मिंदा हो गए जी। एक इस तरह के बैंक ते हर जगह तो मिल जाते जी। वैसे भी मिल जाते हैं, वैसे भी मिल जाते हैं।
हाँ जी ते जिहड़े साडे कोल आ ओह ते चप्पे चप्पे ते मिल जांदे जी छड्डो जी इस गल नूं असीं दुबारा बैग दी गल नहीं करांगे बाकी नाश्ता नुश्ता रस के खादे के नहीं माशाल्लाह बेहतरीन नाश्ता मैंने खा ली है रात की रोटी भाई नहीं खाने अभी ना अभी अभी मैंने को जो कहा है ना जो उधर माशाल्लाह मुंशी काम कर रहा है उसके लिए ना रोटी बना दो उसको दे दो बकाया जो है ना अभी हम सब जो माशाल्लाह खुरम भाई हैं सईद भाई हम सब जाते हैं सामान सामान ले आते हैं बिरयानी का इस तरह का जो जो चीजें पकानी है तो फिर जो चीज भी बताओगी ना हम वो लेके आते हैं वो ना भाभी से पूछिए अच्छा हाँ क्या हाँ चलें जी जो चीज भी कहेंगे हम तो हैं भी लेके देने वाले हाँ जी। जो आप हुक्म करेंगे हम लेके दे देंगे बाकी जो है ना इंशाल्लाह पका के खिलाना जो है काली मिर्च लाजमी लेके आना पिसी अच्छा काली मिर्च तो पड़ी है पिसी हुई अच्छा पड़ी है सबा चलें अभी देखते हैं कि क्या क्या तोड़ा है वो मैं मुंशी के लिए रोटी तो ले लूं अच्छा बनी रखी है फिर आएंगे क्या सालन फिर सारा गरम कर लो ओए होए ओए होए मुंशी चल अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है जा रहे हैं और अभी दिखाते हैं कि उसने क्या क्या तोड़ रखा है अभी ये वाला तो सामने वाला तो हमारा वैसे का वैसे खड़ा हुआ है ये देखो मीटर लगे हुए हैं बिजली सारी लगी हुई है ना इस वजह से उसने इसको हाथ नहीं लगाया बिजली वगैरह जब खोलेंगे इसको सही करेंगे वाह जी वाह जी वाह माशाल्लाह मुंशी जो है वो सामने चढ़ा हुआ है आप किस देख रहे हैं ऊपर तो मैं जैसे मेरी आंख खुली मैंने कहा यार जल्दी से उसके लिए रोटी तो ले चलो यार हम तो जब पकाएंगे खाएंगे वो कुंडी कुंडी खोलो इधर से कुंडी ये ना रोटी वाली वापस चली जाए कुंडी खोलो कुंडी बंद है बस वसीम आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों बस थोड़ा थोड़ा आसरा करके गुजरो ना रोटी वसीम को दे दे जोर दे दो थोड़ा सा ये रोटी पहुंच गई जी ये पानी भी पहुंच गया जी अब अंदर हमने तो चलना है देखना है ना क्या क्या हो रहा है थोड़ा यार थोड़ी सी हटा लो मैं नहीं गुजर सकूंगा खोल सबा चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी ओ तेरी खैर सारा मलबा जो है ना यहाँ पे गिरा हुआ है मतलब भरा तो ऐसे भी डाल जाएगी कुछ ऐसा ना मुंशी इसलिए मैंने अंदर से फेंका इस तरफ जो है ना रेत है हाँ वो सही है वो काम किया है उस तरफ जो है वो अपने दाने वाली रोटियां सही है ये सारा ईंटें एक साइड पे डालते जाना ये मिट्टी के नीचे से निकालना बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर ये निकालेंगे ये अभी जो है ना ये जैसे काम कर रहा है इसकी ईंटें जो है ना पहले निकाल लेगा साइड में ना तो फिर जो मिट्टी है वो तो पड़ी रहे हाँ ठीक है आपसे एक बात पूछनी थी ये जो ईंटें निकालनी है ना हाँ तो नहीं रखनी हाँ नहीं इसको साइड पे वहाँ पे लगा देना है ना क्योंकि हमने घर में डालनी है ना बर्थी तो ईंटें जो है वो उधर बाहर लगानी है फिर अच्छा अच्छा वो तो अभी तोड़ रहे हैं फिर देखते हैं क्या करने अच्छा सही तो ये देखें जी यहाँ पे पड़ी हुई है रेत और वहाँ पे पड़ी हुई है मिट्टी ये वाली जगह है ना सारी ये वाली ओ उधर से लेके ना ये सारी इधर तक बेशक दरवाजे के आगे डाल हाँ ये सारी जगह जो है ना यहाँ पे सारे सेट कर दें इतने बाद ये अब पता नहीं किसका कचरा पड़ा हुआ है ये अपना वो आज कह रहे थे मामू एक मजदूर ले आता हूँ कल से जो इनकी सफाई करेगा तो
अच्छा ये हमारी गाड़ी जो है ना उधर यहाँ पे टोटल यहाँ पे बर्थी डाल देंगे। हाँ सारा मल के ना। अभी तो बर्थी नहीं डालनी क्योंकि अभी जो है ना हमने अभी सारा ये टोटल सामान जो है अभी बाहर निकालना है ना। हाँ जी इधर नहीं डालेगा वो उस तरफ अपनी गाड़ी के लिए सेटिंग बना अपने गेट के सामने अपनी गाड़ी के लिए सेटिंग कर रहा है कि वो सीधे से यहाँ चली जाए अंदर। सही चले आप जाए रोटी खा। हाँ पानी भी है तो आप रोटी खा लें फिर बाद में काम कर दे रहा कहीं वो ठंडी ना पड़ जाए फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी मैंने जो है ना ये जो अम्मी की दुकान हुआ करती थी ये देखें जी ये भी कच्ची थी आप देख सकते हैं तो इसको भी हमने जो है ना वो तोड़ दी है। वैसे इसका दरवाज़ा भी वो देखें सारा गला हुआ है बाहरली वाली साइड से ज़्यादा गला हुआ है। तो अभी देख लें कि इतना जो है ना मुंशी ने आज इसकी छत जो है ना वो ख़त्म कर ली है और यहाँ पे जो है पंखा लगा था वो भी उतार लिया है यहाँ पे जो सामान था वो भी सारा खाली कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मड हाउस ये सेम कर नहीं हम खुद रहेंगे जी। हाँ अब मैंने कहा ये छत ना हो गई है बस अभी खाना खा के ये सारी टपले उठा के साइड पे रख रहे हैं। हाँ ये हमारे काम आनी है। सही बात है आनी है वो तब न्यू है ना न्यू ये वो मतलब वो है सीवी लगी हुई है पता नहीं नहीं मेरे ख्याल में ये आग जलाने के काम आएंगी। हाँ हमारे ना आग जलाने के काम आएंगी। हाँ मुंशी को कहते हैं इसको साइड पे लगा तो हमारी चूल वैसे भी बनी हुई है रोटी बनाएंगे। सही है। हाँ चलो कुछ दिन आगे हो जाएंगे। सही है और अभी ज्यादा खुली लग रही है ना। सामान इधर से सारा निकल गया ना वो तो भाई लोगों ने कचरा सारा बेच दिया है ना। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी मुंशी ने जो है ना वो खाना खाना शुरू कर दिया है और मुंशी की मुस्कुराहट बता रही है कि मछली इसकी फेवरेट है। कभी खुद भी गुड्डू पकड़े हैं नहीं, नहीं पकड़े भाग जाते हैं। तो अच्छा जो आप पुराना घर नहीं था उधर वहाँ बड़ा एक नहर से डोल निकला हुआ था ना उधर गल्ला था जो जिसमें हम फंस जाते थे कभी नहाते हुए तो फिर धाड़े मारते थे टांगे ऊपर होती थी सार उसमें फंस जाता था फिर वो टांगों से पता लगता था कोई दोल में फंसा हुआ है तो फिर टांगों से खींचते थे उसको वहीं ये पकड़ता था। हाँ जी फिर हमने एहतजाज किया था फिर उन्होंने थोड़ा बड़ा दोल लगा दिया था फिर कोई भी फंसता था वो अंदर से निकल के फिर उधर से निकल जाता था गोत लगा के हाँ जी ऐसे गोत लगा रहा था इसकी टांग फट गई मेरा बच्चा। हाँ मुंशी की उस दिन से टांग काम नहीं कर रही काम कर रही है आप ठीक हो गई है बिल्कुल सही चलो माशाल्लाह। और जी हमारा ये घर टूटता हुआ देखकर सारे जो हैं यहाँ पे शाहकार पहुँच गए जी माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको हमारा घर टूट अच्छा रहा है नहीं लग रहा। अच्छा यही इसी घर से कामयाबी मिल गई सबको। हाँ जी यही घर था माशाल्लाह तो अभी इसलिए हम इसको बेहतरीन करके अच्छा बना रहे हैं ये नहीं कि इसको तोड़ के। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो इस घर की तो यहाँ पे जब ऐसे कदम रखते हैं ना जमीन पे तो पता चल जाता है यार हम उस मकाम पे आ गए हैं जिस मकाम से हमने YouTube की शुरुआत की थी YouTube की दुनिया की माशाल्लाह। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। हाँ जी कोई बिया शेर हम दया या कई हो गमदार है मैंने यो हिको याद की थी कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ पे ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। अच्छा वो पे वे उन्दिजाल वे चेक करो कोई ब्याह सुना चंगा ये रात दिन ये शेर शायरी एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। अच्छा सुना कोई उर्दू में सुना दो। उर्दू में क्या सुना शायरी हमको मिटा सके जमाना ये जमाने में दम नहीं हमको मिटा सके जमाना ये जमाने में दम नहीं जमाना खुद हमसे है हम जमाने से नहीं। है 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 माशाल्लाह जमाने के सुनते ही नहीं दे सो जवाब दे सो जवाब जाल को वैसे गुस्ताखी थी वैसे मूर्छा दिन मेरे नहीं जी नहीं कोई गुस्ताखी नहीं है। अच्छा बदल अच्छा सा करके मड हाउस बनाएंगे इंशाल्लाह जब अभी आप एक साल बाद आओगे ना वापस। अच्छा अब खुद कह रहे एक साल बाद में एक साल के बाद ही मैं आपको बताऊं जब आप हमसे मिलने आते हैं ना तब कहेंगे मैं आप लोगों से नहीं मिलने आ रही मैं आपको घर देखने आ रही हूँ देखना ये बात करोगे नहीं अब तो इस्तकबाल के लिए आई थी ना वेलकम किया पाकिस्तान आने नहीं फिर हाँ जी सारी जिंदगी साड़ी गुजर गई ना दा इस्तकबाल कर दिया कर दिया ते अल्लाह पाक जिन्नू चावे इज्जत देवे जी पहली बारी ये फूल लेके आई साडे वास्ते देखते हमेशा ही फूल पवंदे सन नहीं ते इस दा पहला पहला वेलकम भी इस घर च होया सी जी
ये ई दरवाजे तो लंगी सी दरवाजे फसी भी सी उस टाइम क्योंकि उस टाइम खुरम भाई कैसी थी ये तो आपको पता होगा, खास डबल टैंकर था। अभी आप खुद कह रही हैं खत्म है, सही हो गया ना। चले तो इसी दरवाजे से आई थी और दरवाजे के बाहर भी फूलों से इस्तकबाल किया गया था, अंदर भी, और जब इधर कमरे में बैठी थी फिर भी सारे फूलों में माशाल्लाह। वाहिद वेलकम है जो सिर्फ मेरा हुआ था, जो आज तक किसी का नहीं हुआ। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उस दिन अचानक से हो गया था, ये बात नहीं है, सब सबका वेलकम होता है, लेकिन उस दिन सब भाई घर में, क्योंकि पहला वेलकम था ना, पहला वेलकम था मेरा, पहला वेलकम था, मेरे से पहले एक सिस्टर और आई थी, हाँ वो मेहरा खान विलो, सबसे पहले वो आई थी हमारे घर में, उसके बाद मैं आई। हाँ जी तो चलें जी, बातें शातें तो होती रहेंगी, गपशप तो लगती रहेगी। और उसके बाद जो है ना, अभी इस कमरे की मुंशी कह रहा है कि ये वाली बिजली जो है ना ये आपने उतार देनी है टोटल, उसके बाद जो है ना फिर जो है ना ये वाला जो सामान है ये भी हम उठा लेंगे, और ये टीआर गटर जो है ना ये आराम से उठाएंगे, फिर इनको पेंट करके ना VIP करके ना 160 पे लगा देंगे, क्योंकि फिर इनको अपने न्यू वाले घर की छत पे रख देंगे, साइड पे वहाँ पे छत पे रखेंगे कैसे, ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं वो पेंसिल से लेके जाना है, पर दो बंदे ऊपर खड़े होंगे, दो नीचे, यहाँ से उठा के देते पर्दी से चलें, देखते हैं अल्लाह खैर करे। तो माशाल्लाह जी, चलें जी अभी हम घर चलते हैं, और आपने देख लिया कि हमारा घर टूटना शुरू हो चुका है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस घर को आप बहुत खूबसूरत देखेंगे, बहुत ज़्यादा VIP बना हुआ घर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप सब ने हमारे साथ रहना है। यहाँ पे जी अभी सारा जो कबाड़ शबाड़ यहाँ पे पड़ा था वो देखा है, और उसमें से जो है ना जो जाय नमाज, सबा ये भी जाय नमाज है, ये अम्मी जान और अबू जान यहाँ पर जब नमाज़ पढ़ते थे ना अपनी दुकान में, मोबाइल का है 27 पता नहीं, ये कुछ नहीं छोड़ो, ये मोबाइल वो छोटा नहीं है बटनों वाला मोबाइल, ये वो था शायद, मम्मी को लेके दिया था भाई ने, हाँ वो खत्म हो गया। तो ये जाए नमाज, एक ये उठा लो एक ये उठा लो, फिर बाजी वाले कपड़े धो रहे हैं, पता नहीं वो कपड़े धो रहे हैं ना, तो साथ में इनको भी धो के ना सुखा देंगे, फिर ये नमाज रूम में डाल देंगे। ये कमर पट्टू जोड़ने के दर्द और सूजन के लिए, ये कमर के दर्द के लिए मालिश कर रहे हैं ना, बहुत पुरानी हुई पड़ी है, पता कितने साल, लेकिन इन टोपों को क्या होता है यार, ये खाने वाली थोड़ी चीज है, तो लगाने वाली कुछ नहीं होता। चलो ये क्या है, ये भी मोबाइलों के हैं, सैमसंग मोबाइल, वो तो है नहीं, नहीं नहीं ये भी काम करेंगे, जब मोबाइल नहीं रहे ये क्या करेंगे। अब मेरे ख्याल में सिर्फ ये जाए नमाज उठा लो, और वो फाइल उठा लो, और ये उठा लो, बाकी छोड़ दो। ये मेहंदी है, ये कोई दवाई है, सिवरी पिए, केरी पड़ी हुई, केरी रखी है, क्या बात चलाते हैं, पता नहीं यार मुझे क्या पता अब। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है हम आ गए हैं अपने घर वापस, और सईद भाई कह रहे हैं कि टिकटें जो हैं वो हमारी परसों की टिकटें करवा दें, तो परसों की उनकी जो है ट्रेन की टिकटें अल्हम्दुलिल्लाह करवा दी हैं। उसके बाद फिर जो खुरम भाई हैं, रुबीना सिस्टर, उन्होंने आज जाना था, तो मैंने कहा आना जाए आप कल जाना, तो वो जो है इंशाल्लाह कल जाएँगे, तो कल उनकी भी जो है टिकटें करवानी है मुल्तान की। तो इंशाल्लाह ताला जी अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, मुलाकात होगी, आज कोई टूर भी बनाते हैं शायद, आज का खाना कहीं बाहर जो है ना वो खाया जाए। तो आप सब ने साथ रहना इंशाल्लाह, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी।